गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति के तृतीय नियम में देखते हैं, जैसे आप उदाहरण स्वरूप दो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं। इस स्प्रिंग बैलेंस में मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस ए और एक स्प्रिंग बैलेंस बी लेते हैं। ठीक, स्प्रिंग बैलेंस ए को दीवार पर स्थिर, उसके एक सिरे को स्थिर कर देते हैं या कील से लटका देते हैं। इसमें स्प्रिंग के जो मुक्त सिरे को खींचे और लगाए गए बल का मान नोट कर लेते हैं। ठीक है, या इसको जैसे खींचते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस लिए, इसको कील से दीवार से लगाए और खींच लेते हैं, इसका जो लगाए गए बल है उसका मान तो आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके पश्चात इसी प्रकार एक स्प्रिंग बैलेंस बी लेते हैं जो ए से जोड़ देते हैं उसको, दूसरे सिरे को, फिर इसको बी को जब खींचते हैं तो हम देखते हैं कि बी को जब खींचेंगे तो दोनों पर क्या बल लगता है। तो हम देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस जो बी स्प्रिंग बैलेंस ए पर बल लगाता है और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ए स्प्रिंग बैलेंस बी पर समान व विपरीत बल लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी को जोड़ दिए हैं और बी को जब खींचते हैं तो बी ए पर बल लगाता है, फिर ए जो है वो बी पर उसी के समान और विपरीत दिशा में वो बल लगा रहा है। ठीक, ए जब बी को खींचते हैं तो ए पर बल लगा रहा है, तो ए भी उसके विपरीत दिशा बी पर समान बल लगाता है। तो दोनों समान बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में समान बल लगाती है। ठीक, और वस्तुओं पर लग रहे इन बलों के जोड़ों को क्रिया और प्रतिक्रिया कहा जाता है। यानी जो क्रिया हो रही है उसके विपरीत दिशा में जो बल लगते हैं उसको प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो गति की तृतीय जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। ठीक, तो जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं कि जैसे हम चलते हैं या चलना शुरू करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, या किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए बल की आवश्यकता होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, और त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना होता है उसके विपरीत दिशा में हम सड़क पर अपने पैरों से बल लगाते हैं। जैसे बढ़ना है तो उस पर ऐसे बल लगता है सड़क के विपरीत दिशा में, तब तो आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो सड़क भी हमारे पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। हम ऐसे बल लगाते हैं तो वो भी बल लगता है, लेकिन इसमें क्या है, एक जो वस्तु है वो भारी होता है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है, तो हम उसको सड़क को ये धकेल नहीं पाते, उसके विपरीत दिशा हमें आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है वो मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी वह बल एक समान परिणाम में परिणाम के त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एक सा नहीं होता है और हमारे धकेलने से पृथ्वी पीछे की ओर चलना शुरू नहीं करती, किंतु हम आगे की ओर जरूर त्वरण से गति हमको मिल जाती है। ठीक है, तो यदि ए वस्तु बी जो है ए वस्तु बी वस्तु पर एफ वन बल लगाए, ठीक, एफ वन बल लगाए, और बी वस्तु वस्तु ए पर एफ टू बल लगाए, तो गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है एफ वन बराबर माइनस एफ टू, क्योंकि एक वस्तु बी है वो ए पर एफ वन बल लगा रहा है और ए जो है वस्तु बी पर ऋण एफ टू बल लगाता है। यानी इससे हम बल लगा इस पर बल लगा खींचते हैं तो ये भी बल लगा रहा है, तो इसका बल क्या होगा, एफ वन होगा, इसका बल माइनस एफ टू होगा, विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए तो विपरीत दिशा के कारण इसको माइनस से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है, गति का प्रथम व तृतीय जो नियम है वो एक ही वस्तु पर लागू होता है, जबकि प्रथम और द्वितीय नियम
एक ही वस्तु पर लागू होता है, जबकि तृतीय नियम दो परस्पर क्रिया कर रही वस्तुओं पर लागू होता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया वे बल दर्शाती है जो एक ही समय पर दो अलग अलग वस्तुओं पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो माना आपके पास दो गेंद ए व बी है, ठीक, जिसका द्रव्यमान हमारे पास, मान लो आपके पास दो गेंद ए व बी है जिसका द्रव्यमान एम ए व एम बी है, ठीक है, और ये सरल रेखा में क्रमशः क्रमशः यू ए व यू बी का जो वेग है उससे गति कर रही है। ए जो है यू ए और बी जो है यू बी से वेग से गति कर रही है, तथा उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है, और वो टी समय पश्चात दोनों गेंद आपस में जब टकरा जाती है, तो आपस में टकराती है जहाँ ए बी गेंद का ए और जो बी गेंद है उस पर एफ ए बी व बी ए गेंद पर एफ बी ए बल लगती है। ठीक है, तो इससे ए व बी के वेग में क्रमशः वी ए और वी बी हो जाता है, इसमें परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, एक हमारे पास एम ए द्रव्यमान और एम बी द्रव्यमान का है, दोनों यू ए और यू बी से वेग से गति कर रही है, और दोनों कुछ समय पश्चात यानी टी समय पश्चात आपस में जब टकराती है ए और बी, तो इसमें विपरीत बल लगता है। तो पहले इसमें क्या लगेगा, ए पर ए एफ ए बी बल लगता है, और बी इस पर क्या बल लगाता है, विपरीत दिशा से एफ बी ए बल लगाता है। ठीक है, और उसका जो वेग है जब टकराने के पश्चात वो क्या हो जाता है, एम ए द्रव्यमान के जो गेंद है उसका वेग अब परिवर्तन होने के बाद वी ए हो जाता है, और एम बी जो गेंद है टकराने के पश्चात उसका जो वेग है वो वी बी ये हो जाता है। तो ये पहले यू ए और यू बी वेग से दोनों क्रमशः गति करते हैं, टकराने के पश्चात एक दूसरे पर ए बी और बी ए बल लगेगा, ठीक, तो वो वी बी वी ए और वी बी वेग में इसका परिवर्तन आ जाता है। और गेंदों द्वारा परस्पर लगाया गया बल गति के तृतीय नियम के अनुसार समान एवं विपरीत दिशा में, ठीक, समान एवं विपरीत दिशा में है, अतः वो क्या हो जाएगा, समान एवं विपरीत दिशा में है तो वो हो जाएगा एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी, ये उसको समान विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है, तो ये हो जाएगा। इन बलों के कारण गेंद के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे गेंद का संवेग परिवर्तित हो जाता है, अतः गति के जो तृतीय नियम के अनुसार होगा बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, पहले ए बी वाला है बल जो लगता है, तो एफ ए बी बराबर उस पर लगा एम बी इंटू कोष्ठक में रहेगा वी, यानी वेग में परिवर्तन वी बी माइनस यू बी, ये बटे टी समय में उसका वेग में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार विपरीत दिशा से जो बल लगा है वो होगा एफ बी ए बराबर एम ए गेंद जो है उस पर इंटू कोष्ठक में वी ए ऋण यू ए, ये कोष्ठक बंद बटे टी। इस गति के तृतीय नियम से हो जाएगा, जो गति के तृतीय नियम है इस पर मान रखेंगे तो एफ ए बी बराबर ऋण एफ बी ए होगा, तो एफ ए बी का जो मान है उसको रख दिए एम बी इंटू वी बी ऋण यू बी बटे टी बराबर माइनस एम ए इंटू वी ए ऋण यू ए बटे टी। एम वस्तु का द्रव्यमान है, वी वेग में परिवर्तन है, यू प्रारंभिक वेग है, यहाँ भी वी बी वेग में परिवर्तन है, यू बी बी गेंद का प्रारंभिक वेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक वेग है और ये वेग परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा टी टी समय 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 बराबर है, तो इसमें एम बी इंटू वी बी ऋण यू बी बराबर माइनस एम ए इंटू वी ए ऋण यू ए,
यह हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो एम बी इंटू वी बी ऋण एम बी यू बी बराबर माइनस एम ए वी ए, माइनस माइनस गुणा होगा तो धन हो गया धन एम ए इंटू वी ए। अब यहाँ देखते हैं जो वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार एम ए वी ए, और ये हो जाएगा एम बी वी बी, धन एम बी वी बी होगा बराबर, ये वेग में प्रारंभिक वेग जो था वो आ जाएगा एम ए यू ए धन एम बी यू बी। ठीक, तो इस प्रकार ये टकराने के बाद का संवेग है और ये टकराने के पहले का संवेग है। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। इस समीकरण से हमें पता चलता है कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका कुल संवेग टकराने के बाद भी समान रहता है, दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता है, जबकि गेंदों का अपना अपना संवेग बदल जाता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम के साथ बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यानी वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, इसको संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे। ठीक है।